हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल क्रिकेट फोर्ड में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा यूक्रेन और स्पेन के बीच में होने वाले मुकाबले के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर कितने गोल किए, कितने असिस्ट किए, इन सभी का रिकॉर्ड आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो मिलेगा। वो बोलते हैं ना, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। तो गाइज, इस मैच में आप लोगों को छोटी सी वीडियो को मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड बताऊंगा और बताऊंगा कौन से प्लेयर का क्या पोजीशन है। तो गाइस, यहां से बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों को क्या पोजीशन रहती है, पॉइंट टेबल पर देख लेते हैं एक बार। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं पॉइंट टेबल पर। तो यहाँ पर बात करते हैं, स्पेन है जो इसने अपने फर्स्ट पोजिशन पर है पॉइंट टेबल के स्तर पर, जिसमें से तीन मुकाबले खेले, इसने दो विन एक ड्रॉ जीरो अभी तक कोई लॉस नहीं किए, इसने छः गोल किए एक गोल कंसीड। तो गाइस, जिस चीज़ यह दर्शाती है कि ये अटैकिंग माइंडेड काफ़ी बेहतरीन टीम है, प्लस में गोल तो कंसीड करती नहीं है। और गाइस, वहीं पर बात करते हैं यूक्रेन, यूक्रेन जैसी टीमों को तो शायद ही ये मतलब बख्शेगी। तो गाइस, इस मैच में तो क्लियर फेवरेट यहाँ से स्पेन होने वाली है। तो यूक्रेन अपने पिछले तीन मुकाबले में से एक मुकाबला विन किया है, अभी तक दो लॉस कर चुकी, तीन गोल करें प्लस में सात गोल कंसीड कर चुकी है। तो गाइस, ये चीज़ ये दिखाती है कि एक गोल पर मैच करती है लेकिन दो या तीन गोल पर मैच कंसीड भी करती है। और जहाँ स्पेन जैसी टीम के सामने कम से कम, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कम से कम तीन या चार गोल कंसीड जरूर करेगी। तो गाइस, जब बात कर लें यूक्रेन की टीम की तरफ से सब गोल करने वाला, यहाँ से मिलोनोविस्की अपनी टीम तरफ से एक गोल कर चुका है। वहीं पर बात करी जाए, एंड्री यारमुकोव ने अपनी टीम तरफ से एक गोल किया है और यहाँ से जिनो चैन को एक गोल कर चुका है। तो गाइस, यहाँ से बात कर लेते हैं इस टीम तरफ से सबसे ज़्यादा असिस्ट करने वाला है। तो गाइस, यहाँ से असिस्ट इस टीम की तरफ से किए हैं, यहाँ से इसका नाम काफ़ी बड़े बोर्डगन ने तो एक असिस्ट किया और यहाँ से टीम एक ने एक असिस्ट किया। तो गाइस, एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी 5 मिनट की वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ डाटा मिल जाए तो क्या चाहिए भाई आपको। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो जाके नहीं जरूर ज्वाइन हो जाना, आप लोगों का इंतजार रहेगा क्योंकि वहीं पर मैं अपनी फाइनल टीम डालूंगा और आप लोगों के लिए फाइनल अपडेट के लिए और फाइनल टीम के लिए तो आपको आना होगा, क्योंकि वहीं पर कौन से प्लेयर कौन सी पोजिशन खेलेगा उन सभी के बारे में वहीं पर बता दिया जाएगा। तो मिल जुड़ना ना भूलना। तो देख लेते हैं अब ये स्पेन टीम तरफ से कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं। आज मैं एक बात बताना भूल गई, तो यहाँ से हेड टू हेड मुकाबले स्पेन ने हमेशा विन किए हैं, तो आप चाहे तो किसी मुकाबले देख सकते हो। स्पेन 4-2, 2-1, 4 और हर मैच में क्लीन चिट रखा है। तो गाइस, यहाँ से पिछले 6 मुकाबले हुए हैं और 5 मुकाबले वन साइडेड विन किए हैं। तो उसमें से गाइस, यहाँ से बात करते हैं जो यूक्रेन के जो लेटेस्ट फॉर्म है उसके बारे में, तो पिछले मुकाबला लॉस, उससे पिछले भी लॉस, उससे पिछला भी लॉस। तो गाइस, ये पिछले 3 मुकाबलों में इसने 7-4-11-12 गोल कंसीड कर चुके हैं और 3 गोल करे हैं। तो गाइस, दिखाते हैं इस टीम की तरफ से कितना गंदा डिफेंस है इस टीम। और वहीं पर बात करें स्पेन की, स्पेन का करंट फॉर्म आपके सामने है, जैसे कि पिछले यहाँ 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले इसने वन साइडेड विन किए थे और यहाँ से 2 मुकाबले इसने ड्रॉ खेले हैं। तो गाइस, जब बात करें इस टीम तरफ से, स्पेन टीम तरफ से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर्स के नाम के बारे में, तो यहाँ से सर्जियो रोमोस ने टीम तरफ से हाईएस्ट गोल किए हैं 2 और यहाँ से फेरन टोरेस ने 2-1 गोल किया और यहाँ से माइकल ओयारज़बाल ने 1 गोल किया और यहाँ से अंशु फाती ने 1 गोल किया और यहाँ से जे गया ने 1 गोल किया। तो गाइस, जब बात करते हैं इस टीम तरफ से सबसे ज़्यादा असिस्ट, टीम की तरफ सबसे ज़्यादा असिस्ट टेकर यहाँ से मोरिनो है, माइकल मोरिनो, और यहाँ से डानी ओमला, और यहाँ से आप लोग रोड्रिगो मोरिना देखेंगे और यहाँ सर्जियो रेगुलाइन देखेंगे। तो गाइस, जब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के ड्रीम इलेवन की टीम बनाने की बेहतर एज कम्पेयर टू अकॉर्डिंग टू एनालाइज, तो इसी के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन पर एक बेहतर टीम बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर गाइस, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, काफ़ी कम समय में आप लोगों को फुल डाटा देने का मेरा काम होता है और आप लोगों को अच्छी खासी विनिंग कराने का काम होता है। तो गाइस, आप एक चीज़ तो कन्फर्म है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो आप कान खोल के सुन लेना, अगर आप लोग इस मैच में विन नहीं करो तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना, अगर विन करो हो जाए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो गाइज, इस बात का डिपेंडेंट और फॉर यू। तो मिलते हैं गाइज, मुझे पता है इस मैच में हम अच्छी खासी विनिंग करेंगे, तो इसलिए कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गाइज, यहाँ से गोलकीपर की बात की जाए, तो गोलकीपर हम यहाँ से आप लोगों को 2 प्रेफरेंस रहेगी, यहाँ डीडीगा खेलेंगे अपनी टीम तरफ और यहाँ से बुशन खेलते नजर आएंगे। फिलहाल के मैं किसे पिक करूँगा, बुशन को, क्यों, क्योंकि इसके जो गोल हैं वो ज़्यादा सेव करने के चांसेस को मिलेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड डिफेंडर सर्जियो रामोस,
फ्रेन टॉरेस, जॉर्डन नवास। तो गाइज ये तीनों को तो आप बिल्कुल भी मिस करके नहीं चल सकते। और यहाँ फोर्थ पिक होने वाली यहाँ से जोश गया तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो गाइज बात करें मिडफील्डर में, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर मिडफील्डर में सर्जियो बास्केट आप लोगों को पासिंग का पॉइंट तो भर भर के देंगे, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करके चलना अपनी ग्रैंड लीग टीम में। और चाहे तो आप मिस भी कर सकते हो, असिस्ट करने का चांस रखते हैं। तो यहीं से बात करें फेरलिन टोरस, और यहाँ से मोरिना अपनी टीम तरफ से प्लस में 2 असिस्ट कर चुके हैं, 1 गोल किया है। तो गाइज इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे बिल्कुल इग्नोर कर नहीं चल सकते। तो यहाँ से फिलहाल के लिए जो मैं पिक कर चलूँगा सर्जियो बास्केट और यहाँ से मोरिना, इन दोनों टीम प्लेयर्स को मैं अपनी टीम में बिल्कुल पिक कर चलूँगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ सर्जियो बास्केट को हटाता हूँ, क्योंकि इसको लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा ये कौन सी जगह पर खेलेगा, कौन सी पोजीशन रहेगी, उसी के अनुसार हम इसे अपनी टीम में पिक करेंगे। तो गाइज यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ से मिलोनोविच की अपनी टीम तरफ से 2 गोल 1 असिस्ट कर चुका है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ से बात करते हैं इस टीम तरफ से टशिनकोव, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड, तो सेंटर फॉरवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट इस मैच में मार्क ओजरा ओयार्जबाल अपनी टीम तरफ से 1 गोल 1 असिस्ट कर चुका है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और आंशु फाती भी आप लोगों के सामने रिकॉर्ड दिखाया, और यहाँ से मोरिना को भी आप लोगों के सामने। तो गाइज इन तीनों में से जो भी स्टार्ट करेगा हमारी टीम वो खेलेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से पिक करके चलता हूँ अपनी टीम में ओजराबाल और आंशु फाती को। अगर गाइज यहाँ से मोरिना खेलेंगे मैं इसे ज़रूर पिक करूँगा, 110% पिक करूँगा। तो गाइज यहाँ से बात करते हैं, और यहाँ से यारम चुक, तो फाइनल प्रीव्यू की बात करते हैं। फाइनल प्रीव्यू की बात करने से पहले अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को मुझे लगता है सर्जियो रामोस इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान लेना, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो बिल्कुल भी कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाना भाई, क्रिकेट पोर्ट की बात सुनगी हो तो ये चीज़ पर ध्यान देना, सर्जियो रामोस को बिल्कुल कैप्टन मत बना अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो। तो गाइज फिर ग्रैंड लीग के लिए किसे बनाएं वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो यहाँ फिलहाल के लिए मेरे कैप्टन होने वाले हैं सर्जियो रामोस, और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं यहाँ से मोरिना। तो गाइज फाइनल प्रीव्यू तो नहीं है, ये टीम 110% कहीं ना कहीं चेंजिंग होगी। तो अपडेटेड ड्रीम इलेवन टीम आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इतने के लिए गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर।